हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। चैप्टर नंबर 6 फन विद नम गिव एंड टेक आपका कंटिन्यू था। इस चैप्टर में आज का टॉपिक है काउंट टू सब्ट्रैक्ट, कि सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग आपको ये जो इक्वेशन है वो सॉल्व करना है। सब्ट्रैक्शन का टॉपिक है। यूजुअली हम सब्ट्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, ग्रेटर नंबर उसके नीचे हम मैंशन करते हैं, स्मॉलर नंबर देन उनको का डिफरेंस निकालते हैं। बट यहाँ पे इस टॉपिक में आपको बताया गया है कि सब्ट्रैक्ट करना डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग कैसे, स्टेप बाय स्टेप, कि हम जंप करके, कि जैसे अगर आपको कोई भी नंबर हो, सपोज 59 में से आपको 30 सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप कैसे करते हैं, 59 39 या 30 आप किस मेथड से सब्ट्रैक्ट करते हैं। आपको इस मेथड में बताया गया है कि आपको जंप करके, कि आप 10 का 5 का जंप करके आपको डायरेक्ट कैसे, आप विदाउट यूजिंग एनी पेंसिल एंड पेन आप कैसे सब्ट्रैक्शन सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड ओपन पेज नंबर 91 इन योर बुक। काउंट टू सब्ट्रैक्ट। डोलमा बोर्ड 4 दर्जन बनाना। 4 दर्जन, सबसे पहले 4 दर्जन बनाना है, तो 4 दर्जन बनाना में नंबर बनाना कितने होंगे। सो एज यूजुअल यू ऑल नो 1 दर्जन में 12 होते हैं। कोई भी आइटम हो अगर आपको वहाँ दर्जन का बोल दिए, इट मीन उसमें कितने आइटम्स होंगे, 12 आइटम्स होंगे, ठीक है। सो 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12, तो 4 में कितने होंगे, 1 की वैल्यू दे दी आपको, 4 की वैल्यू पूछिए, तो 4 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आएगा 12 4 48। इट मीन्स कितने बनाना होंगे, 48। डोलमा बोर्ड 4 दर्जन और वहाँ पे दर्जन में ब्रैकेट में लिखा हुआ है 48 बनानास एंड गिव 1 to each अ फ्रेंड, और उसने अपने सारे फ्रेंड्स को 1 1 बनाना दिया। 13 बनानास वेयर लेफ्ट, उसके पास में कितने बनानास रिमेनिंग रह गए, 13। हाउ मेनी फ्रेंड्स गोट ए बनाना, आपको ये बताना है कि कितने फ्रेंड्स को बनाना मिला, या कैसे भी बोल सकते हैं कि आप उनके नंबर ऑफ फ्रेंड्स बताना है, ठीक है। तो फर्स्टली उसके पास ये आपको एज एग्जाम्पल दिया हुआ है, एज यू नो दिस कैन बी फाउंड बाय काउंटिंग फॉरवर्ड फ्रॉम 13, कि हम फॉरवर्ड काउंटिंग स्टार्ट करके कहाँ से, स्मॉलर नंबर कौन सा है, 13, तो 13 में से। इट इज ईजियर टू काउंट इन जंप्स ऑफ 10, ये बहुत ईजी रहता है कि जब आप 10 के नंबर्स में जंप करते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज किटू टू होम श्योर ऑन पेज नंबर 29। पेज नंबर 29 पे आपने किटू का एक चैप्टर आया था किटूज होम, उसमें भी ये जंप से रिगार्डिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन का था। ओके, अब इसको आप जंप के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे, 48 में से आपको कितना माइनस करना है, 13। ओके, 30 यहाँ मेंशन करें 13। ओके, 13 से आप 10 जंप करेंगे तो कितना नंबर आएगा, 23 से आप 10 जंप करेंगे तो 33 से 10 जंप करेंगे तो 43। हमें नंबर कितना चाहिए, 48। अब हम 43 से 10 जंप करेंगे तो हमारा नंबर कितना आएगा, 53। बट हमें कितना नंबर चाहिए, 48, तो हम नेक्स्ट जंप कितना करेंगे, 48 पे। ओके, अब इनके बीच का जितने भी नंबर्स का हमने जंप किया है वो हम ऊपर मेंशन कर लेते हैं। 13 से 23 के बीच में डिफरेंस है 10, 23 से 30 के बीच में 10, 33 से 43 के बीच में 10, और यहाँ से 43 से 48, 43, 44, 45, 46, 47, 48, कितने का डिफरेंस है, 5 का। अब अभी जो भी डिफरेंसेस हैं उनको ऐड कर लीजिए, 10 plus 10 plus 10 plus 5, 10 10 20 20 plus 10 30 30 plus 5 35, मीन्स कितने फ्रेंड्स हो गए, बनाना दिए उसने 35। ओके, अभी नेक्स्ट आपको देखिए रखा है ए से लेके जी तक जो आपको सोल्व करने हैं। ए में देखिए रखा है 56 माइनस 37 में से आपको 37 माइनस करना है। अब आप यहाँ पे 10 का जंप भी ले सकते हैं, या आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 33 से 40 पे जंप करके भी इसको कर सकते हैं। आपको 33 में से ये सब्ट्रैक्ट करना है, हम 10 से जंप से करते हैं 37 से 10 जंप करेंगे तो 47 से हम 10 जंप करेंगे तो आप
नॉर्मल जो आप मेथड फॉलो करते हैं प्लीज इनका। सो नेक्स्ट बी आपको देख रखा है 60 माइनस 45, 60 में से आपको माइनस करना है 45। आप टाइम के जब से भी कर सकते हैं, आप अलग मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे 45 से अगर हम नेक्स्ट जाएंगे तो हमारा कितना आएगा 55। बट हम अगर 5 का जंप करें, 5 पर भी 10 की वैल्यू का अगर हम जंप करेंगे तो 5 पर जंप करेंगे तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 50 से फिर 10 का जंप करेंगे तो 60। काउंट करो डिफरेंसेस, नंबर बढ़ाने में कितना है 60। 10 + 5 = 15। 60 में से अगर आप 45 माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 15। ए बी सी ये आपको उसी मेथड से करना है। डी ई एफ जी इसमें आपको डायरेक्ट दिए हुए हैं, डी में आपको दिया हुआ है 85 - 63, ई में 84 - 69। अब ये आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है ये डिफरेंसेस। अब तक हमने इनके लिए क्या यूज किया था, पेन पेंसिल का यूज कर रहे थे इस मेथड 10 के जंप के लिए, बट ये आपके वक्त 3 से आप इस समय पे सोल्व किए हैं तो आपकी क्या